दशकों से मंद खड पर पुल निर्माण की बाट जो रहे सात गांवों के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय धर्मशाला का रुख किया। डीसी कांगड़ा से पुल निर्माण की गुहार लगाने पहुंचे जयसिंहपुर उपमंडल के अंतर्गत कुरु बसु कोटलू गाड़ पजलहेड़ बंगलाल और केलन के ग्रामीणों का कहना था कि कई सरकारें आई और गई, कई नेता भी आश्वासन देते आते रहे, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्या को नहीं समझा। यही वजह है कि सात गांवों के ग्रामीण आज भी पुल न होने के चलते बाजार, स्कूल, बैंक सहित अन्य कार्यालयों हेतु जाने के लिए खड्ड पार करने को मजबूर हैं। कई हादसे भी हो चुके हैं, कई लोग बह भी चुके हैं। सड़क से जाना हो तो 8 से 10 किलोमीटर का लंबा अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। बसु गांव के दीपक डोगरा ने कहा कि मन खड्ड पर पुल न होने की वजह से काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई बार की मांग उठाई गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सात गांवों के लोगों के लिए बाजार सहित अन्य कार्यों के लिए खड्ड पार करके जाना पड़ता है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन पुल नहीं बना। अब हम डीसी कांगड़ा से मिलने आए हैं कि पुल का निर्माण किया जाए। इसी कड़ी में 24 जुलाई को कोटलू बाजार में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। हम पपला पंचायत से आए हैं, हमारे गाँव का नाम है बसु। यहाँ जो लोग आए वो 8 गाँव के लोग हैं, कुरु, बसु, कोटलू, कैलन, फनेड़, पंजलेड़, बगलाल। इन सब लोगों की डिमांड यही है कि हमारी मन खड़ के ऊपर पुल बनना है, जो आज तक नहीं बना है। काफ़ी सालों से हमारी डिमांड रही है, लेकिन आज तक जो भी सरकारें आई है सब ने हमारे को अश्योरेंस दी है कि हमारे कार्यकाल में ये पुल बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना है। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा जो मन खड़ के ऊपर पुल बनना है वो बनाया जाए। कई बार हम अपने लोकल विधायक से मिल चुके हैं, इवन CM तक जा चुके हैं हम लोग, लेकिन आज तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिला हमें आज तक। तो हमारी ये मांग है कि हमारा पुल बनाया जाए, नहीं तो हम 24 को हम लोग सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर कोटलू स्टेशन में धरना देने जा रहे हैं। ये तो हमारी मांग पूरी की जाए, ये तो हम वहाँ भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। सरकार गलती सरकार की है, तो पुलिस को भी पता लगना चाहिए ना। जब तक उनको बताएंगे उनको कैसे चलेगा पता। आज तक हमने सबको इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन आज तक हमें कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि हमें इसका पॉजिटिव सोल्यूशन मिले दिया जाए। हम गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारे सोल्यूशन नहीं होता है, अगर हमारी मांग नहीं सुनते हैं तो हम धरना देने जा रहे हैं। वो इस COVID-19 में हम धरना देने जाएंगे तो हमारे को वो उठा के ले जाएंगे थाने में, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये तो हमारा सोल्यूशन किया जाए हमारी प्रॉब्लम का, ये तो हमें गिरफ्तार किया जाए। हमारी मेन मुद्दा यही है कि हमारा जो मन खड़ के ऊपर पुल बनना है वो बनाया जाए। ग्रामीण महिला चंपा शर्मा ने कहा कि हमारा जीवन काले पानी जैसा है, दवाई लेने में भी हमें खड्ड पार कर जाना पड़ता है। अब तो हम यही कह सकते हैं कि सरकार हमें गिरफ्तार कर ले, नेता लोग काम नहीं करते, लेकिन इनकार भी नहीं करते। बार बार के आश्वासनों से तंग आकर आज हम यहां आए हैं। तो हम क्या करेंगे इस काले पानी से, हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, तो हम लोग करेंगे भी क्या? और जी के एक छोटी सी दवाई लेनी होगी, वो भी हमें नदी के पार ही मिलती है। तो गिरफ्तारी इसका समाधान है? इसका समाधान नहीं, तो हम तो कह तो चुके हैं कि हमें पैर जोड़ के तो हाँ, पहले हम पुल बना दो, हमें कोई समस्या का हमारी का हल कर दो। वोट आते हैं, सभी बोलते हैं कि हम काम करेंगे, जब हो जाते हैं तब चले जाते हैं। तो हमारा तो कोई ऐसा समाधान ना किसी ने किया ना आज, तो हम सब इकट्ठे होके आए हों कि हमारा समाधान कर दो। वो मना तो नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं हम करेंगे, वो कभी नहीं हुआ आज तक। तो हुआ नहीं, 73 साल हो गए आज तक किसी ने काम नहीं किया, आज तो किसी ने नहीं किया। आज फिर हम आए हैं कि नहीं, हम आज फिर चलते हैं सारी सुनवाई कर ले। ग्रामीण महिला बीना देवी ने कहा कि वर्ष 1973 से समस्या पेश आ रही है, हमारे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, हर कोई कहता है कि हो जाएगा, मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। अपनी मांग मनवाने के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसे में प्रशासन हमें गिरफ्तार ही करेगा। ये समस्या हमारे 72-73 से हो रही है समस्या, और सारे हमारे बच्चे बेचारे इतनी मुश्किल से पार करते हैं। कई बार बह गए, हम लेडीज घर में रहती हैं, तो हमने कहाँ से उनको पार करने जाना है। हमारे आदमी सभी बाहर रहते थे, ड्यूटी करते थे, तो हमारे बच्चों को इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल हो गई है कि मतलब अब हम सहन नहीं कर, बूढ़े हो गए हम कहाँ बच्चों को लेके जाएंगे हम हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है, सब बस ऐसे बोल के जाते हैं, हो जाएगा जी, हो जाएगा, हमारे को ऐसे करो हो जाएगा, और फिर बाद में कोई नहीं आता है हैं। तो हम क्या करें, हम फिर मजबूरी में आकर हमारे को यहाँ आना पड़ा है। तो फिर ऐसे ही होगा, तो फिर नहीं कोई भी सुनवाई करेगा तो फिर ऐसे ही होगा, तो फिर क्या करें, गिरफ्तार ही कर लें तो फिर क्या करें। करेगी भाई, बोलेंगे भाई आपने ये धरना दिया, कोरोना काल में ऐसा किया, फलाना किया, तो हम तो करेंगे फिर ऐसा ही, तो नहीं सुनवाई करेंगे कोई भी, तो कुछ भी होगा ना, जो फिर जो हमारे को लगेगा समाधान वही करेंगे, पर पहले तो हम धरना देंगे उधर जाके। कोई भी नहीं सुनता जी, किसी ने भी सुना होता तो हम क्यों आते इधर।
क्या जरूरत पड़ी है हमारे भी घर में, बच्चों को छोड़ के किसी ने अपने अपने घर में कारोबार रखे हैं, सब छोड़ के आए हैं, तो क्यों आते इतनी दूर सर, क्या जरूरत पड़ी थी? जब घर में रोटी मिल जाए तो बाहर क्यों जाएं?